फुल अम्ब्रेला घाघरा। फुल अम्ब्रेला घाघरे के लिए पूरी लंबाई और कमर घेर ये नाप लेना आवश्यक है। इस फुल अम्ब्रेला घाघरे के लिए एक पूरी साड़ी लगती है। इसके अंदर अस्तर लगाना पड़ता है। अस्तर 3 मीटर लगेगा। बॉर्डर, लेस और बाकी सिलाई की चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें फुल अम्ब्रेला घाघरे के लिए अस्तर की कटिंग करनी होगी। पहले अस्तर डबल ले, डबल अस्तर की तिरछी घड़ी ले। इस तरह से अस्तर के 4 पल्लू होंगे। ऊपर यहाँ पर कमर का 1/4 हिस्सा अधिक 1.5 इंच लेना है। इस अंतर को हमें गोलाकार में गिनती करते हुए नाप लेना है। अस्तर हमेशा पूरी लंबाई की अपेक्षा 2 इंच कम ही लेना है, इसलिए किनारे पर हमें पूरी लंबाई से 1 इंच कम लेना है। ऐसे ही टेप आगे लेते हुए हमें हर जगह पे यही नाप लेना है। दिखाए गए अनुसार गोलाकार आकार लेना है। ऊपर कमर का आकार काटना है। नीचे दिया हुआ गोल आकार भी काट लेना है। दिलीप कारमपुरी सर की किताब में फ्रॉक का अम्ब्रेला घेर पेपर कटिंग दिया हुआ है। इस किताब में फ्रॉक के 18 इंच छाती से लेकर 32 इंच छाती के नाप के फुल अम्ब्रेला, सादा अम्ब्रेला, चुन का घेर, ऐसे विभिन्न प्रकार के फ्रॉक के कटिंग्स तैयार है। अलग अलग प्रकार की बाही भी रेडी कटिंग, विभिन्न प्रकार कॉलर्स इत्यादि इस किताब में तैयार है। ये किताब इंग्लिश और मराठी भाषा में उपलब्ध है। यहाँ पर साइड की किनार काट लेना है। किनारा रखने पर साइड की बाजू खींच जाएगी। अस्तर कम होने के कारण नीचे की तरफ हमें जोड़ देना होगा। यहाँ पर किनारा भी काटना पड़ेगा। सलवार की कली का और बाही के बॉटम यानी नीचे का किनारा हमेशा काट लेना चाहिए। अस्तर का जोड़ पहले कागज पर ले। अब उसके नीचे कागज रखिए। जोड़ पर कागज रखते समय हमें कागज 1/2 इंच ऊपर रखना है। अच्छी तरह से पिन लगा लेनी है। मूल लंबाई के अनुसार हमें कागज की कटिंग कर लेनी है।
इस हिसाब से यहाँ पे जोड़ आएगा। इस तरह ये कागज दिखेगा। बचे हुए कपड़े पर कागज का जोड़ काट ले। यहाँ पर दिखाए गए अनुसार हमें सिलाई मार कर जोड़ लगा लेना है। इस तरह से दोनों ही तरफ जोड़ लगा लेना है। यहाँ पर संपूर्ण साड़ी के चारों पल्लू इकट्ठा किए हुए हैं। हमने अस्तर काटते समय हाफ अम्ब्रेला घेर काटा था, अब साड़ी पर हम फुल अम्ब्रेला घेर काटेंगे। ऊपर की बाजू से हमें अस्तर के ही नाप से कमर घेर काटना है। उसी हिसाब से गोलाकार आकार दिया जाएगा। साड़ी को कमर में गोल आकार देते समय कमर का घेर आधा इंच कम लेना है, क्योंकि साड़ी का कपड़ा पतला होता है। यहाँ पर कमर का हिस्सा काटने पर ये घेर तिरछा देने की वजह से खूब बढ़ जाता है, इसलिए आधा इंच घेर कम लेना है। अस्तर की ही तरह इधर हमें लंबाई का नाप सभी जगहों पर लेना है। यहाँ लंबाई लेते समय पूरी लंबाई लेनी है। नीचे गोल आकार देना है। ऊपर कमर का आकार है। नीचे गोल आकार लेकर काटना है, कमर घेर काटना है।
यहाँ पर कपड़े के चार पल्लू इकट्ठा है। इस फुल अम्ब्रेला के घाघरे के दोनों ही तरफ से सिलाई मारनी है। यहाँ पर घड़ी आएगी। इस तरह से इस अम्ब्रेला के अस्तर और साड़ी की कटिंग हो गई है। दिखाए अनुसार अस्तर को एक साइड से अलग जोड़ ले और कपड़े को भी एक साइड से अलग जोड़ ले। इस तरह दूसरी भी साइड जोड़ ले। कपड़े को भी दोनों ओर से अलग अलग जोड़ ले। मात्र एक तरफ अस्तर का घाघरा और कपड़े के घाघरे को एक साइड से 6 इंच ऊपर न जोड़े। यहाँ पर साइड ओपन रखे चेन लगाने के लिए। यहाँ साइड पे अस्तर और कपड़ा अलग अलग जोड़ा हुआ है। इस तरह से अस्तर और साड़ी घेर बाहरी तरफ से कमर के पास इकट्ठा सी लेना है। इसी तरह जिस तरफ 6 इंच साइड ओपन छोड़ा है उसे भी इकट्ठा करके सी ले। यहाँ दिखाए गए अनुसार चेन पर कपड़े को अंदर मोड़ कर सिलाई मार ले। इस तरह चेन लगी हुई दिखेगी। यहां ऊपर 2 इंच की नेफा पट्टी अंदर से बाहर की ओर जोड़ी गई है। दिखाए गए अनुसार बाहर की तरफ से सिलाई मार के लेस को उलट लेना है। इस तरह से कमर का भाग लेस लगा के तैयार हो जाएगा। यहाँ साइड ओपन रहेगी। इस तरह अंदर का नेफा दिखेगा। यहाँ पर ऊपर बेल्ट को हुक लुक करना है। अंदर से अस्तर को बॉटम की फोल्ड पलट कर सिलाई मार ले। उसी तरह से ऊपर के कपड़े की बॉटम पट्टी अंदर से मोड़ कर अलग से सिल लीजिए। इस तरह घेर को ऊपर से लेस लगा के सिलाई मार ले। ये ऊपर नेफा तैयार हो गया है। इस तरह बॉटम को लेस लगा दी गई है। अंदर की बाजू इस तरह दिखेगी।
ये फुल अम्ब्रेला घाघरा तैयार करते समय हमने दो प्रकार के घेर काटे हैं। अस्तर का हाफ अम्ब्रेला घेर काट लिया है, साड़ी कपड़े को फुल अम्ब्रेला घेर काट लिया है। इस पद्धति से स्कर्ट, छोटी बच्ची के फ्रॉक, फुल मैक्सी, आप इस प्रकार से अम्ब्रेला घेर काट सकते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी या शंका के लिए आपके पास लिबर्टी की दिलीप कारमपुरी सर की किताबें जानकारी के लिए तैयार है ही। इसका उपयोग जरूर करें, उससे आपको आपके व्यवसाय में काफी सहायता मिलेगी। इसके अलावा आपकी परफेक्ट कटिंग प्लस स्टिचिंग, इससे आपका नाम खूब होगा।